प्रदेश के कई शहरों में सीएनजी की कीमतों में इजाफा हो गया है। सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की अग्रणी कंपनी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने शनिवार को सीएनजी की कीमतों पर 1 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी कर दी। इससे पहले कंपनी ने 7 मार्च को सीएनजी के दाम में गिरावट की गई, तब से लेकर अब तक सीएनजी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया था। सीएनजी की कीमतों में इजाफा होने से आम आदमी की जेब पर इसका असर पड़ेगा। मिली जानकारी के अनुसार कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी सीएनजी की कीमतों में शनिवार सुबह 6 बजे 1 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई है। इसके बाद दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के कई शहरों में सीएनजी की खुदरा कीमतों में बदलाव किया गया, इसकी आधिकारिक घोषणा भी कर दी गई है। सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद राजस्थानी दिल्ली में सीएनजी की खुदरा कीमतें 75.9 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई, जबकि इससे पहले दिल्ली में 1 किलोग्राम सीएनजी के दाम 74.9 रुपये थे। दिल्ली के अलावा नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में भी सीएनजी के दाम 1 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ गए। इसके बाद इन तीनों शहरों में सीएनजी के दाम बढ़कर 79.70 रुपये किलोग्राम हो गए, जो पहले 78.70 रुपये प्रति किलोग्राम थे। इसके अलावा मेरठ, मुजफ्फरनगर और शामली में भी सीएनजी की कीमतों में इजाफा हुआ है। वहीं राजस्थान के अजमेर, पाली और राजसमंद में भी सीएनजी के दाम बढ़ गए। उधर हरियाणा के रेवाड़ी में भी आज से सीएनजी महंगी हो गई। यहां सीएनजी के दाम 1 रुपये बढ़कर 79.70 रुपये प्रति किलो हो गए, जो पहले यहां 78.70 रुपये थी, जबकि यूपी के मेरठ, मुजफ्फरनगर और शामली में सीएनजी के दाम 80.8 रुपये प्रति किलोग्राम हो गए हैं, जो पहले 79.8 रुपये प्रति किग्रा थे। वहीं राजस्थान के अजमेर, पाली और राजसमंद में सीएनजी की कीमतें बढ़कर 82.94 रुपये प्रति किग्रा हो गई है, जो पहले 81.94 रुपये प्रति किलोग्राम थी। हरियाणा के कई शहरों में आज भी सीएनजी की कीमतें स्थिर बनी हुई है। वहीं गुरुग्राम, कैथल और करनाल की बात करें तो इन जगहों में सीएनजी के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिसके चलते यहां सीएनजी के दाम 80.12 रुपये प्रति किग्रा हो गए हैं।